चुनाव के दौरान पठानकोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पठानकोट पुलिस द्वारा 5 ड्रग तस्करों को 12 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों से 2 पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तस्करी में इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रक और तस्करों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। SSP पठानकोट ने बताया कि 2 दिन से दिन और रात ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें अलग अलग जगह बनाकर हेरोइन को छुपाया गया था। जिस कार में तस्कर कंसाइनमेंट वाले ट्रक को गाइड करते हुए ले जा रहे थे, उस कार को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसके बाद ट्रक और कार समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे ट्रक में छुपाई गई 12 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इसके अलावा तस्करों से 2 पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। चुनाव के दौरान पठानकोट में 34 बड़े नाके 24 घंटे निगरानी पर हैं। सूचना के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन कर ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पकड़े गए 4 तस्कर मलेरकोटला के और 1 तस्कर अमृतसर का रहने वाला है। पुलिस द्वारा इन 5 से और भी कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि तुसी दस्या कि इलेक्शन टाइम च नहीं, उदा भी इंटरस्टेट जिहड़ा ड्रग स्मगलिंग दा वन ऑफ द बिगेस्ट रिकवरी हैगी जिहड़ी असी कीती हैगी, ते इहदे विच 12 किलो हेरोइन असी 2 डिफरेंट केसेस च रिकवर कीती हैगी आज सवेरे, ते नाल 5 बंदे असी अरेस्ट कीते हैगे। एक ट्रक असी फड़िया हैगा, उहदे नाल एक कार स्विफ्ट डिजायर असी सीज कीती हैगी। इसके अंदर गाड़ी के अंदर से हमें 2 किलो हेरोइन रिकवर हुई है, साथ में 2 इलीगल वेपन और कुछ लाइव कार्टेजेज रिकवर हुए हैं। जो ट्रक है उसके अंदर जो कैविटी बनी हुई है, तो उस कैविटी के अंदर से हमें 12 पैकेट सिमिलर सेम टाइप के, उधर जो गाड़ी में हैं वही सेम टाइप के पैकेट्स, 12 पैकेट जिनका वजन 10 किलो और 80 ग्राम है, वो हमें रिकवर हुए हैं। तो ये टोटल रिकवरी हमारी 12 किलो हेरोइन की हुई है, साथ में 2 इलीगल वेपन्स विथ फ्यू लाइव कार्टेजेस, और 5 आदमी हमने अरेस्ट किए हैं। एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हमारी टीम्स ने किया है, और हमारे जीओज ने और हमारे सारे इंचार्जेज ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया है। और ये डेफिनेटली इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो है, और वो ये है कि हमने कॉरियर को भी पकड़ लिया है, और हमने जो आगे पायलट करने वाला जो मेन मास्टरमाइंड है उसको भी पकड़ लिया है। तो इससे आगे डेफिनेटली हमें जो पीछे मेन सप्लायर है उसका, और आगे इसने किसको सप्लाई करना था, वो डिटेल्स में बड़ी लीड मिलने की संभावना है। ये J&K से जो है मटेरियल, मैंने लिखा है इसके अंदर कि J&K से ये श्रीनगर से ये कंसाइनमेंट पिक हुआ है, और श्रीनगर से ये कंसाइनमेंट पंजाब के अंदर आया है। ये जलंधर और जलंधर से आगे के शहरों में जाने की इसकी संभावना थी। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए पठानकोट से अशोक ठाकुर। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ, श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।